आज की इस वीडियो में हम दो भयानक समस्याओं के बारे में बात करेंगे जिनका सॉल्यूशन मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। पहला वीरनाश और दूसरा स्वप्नदोष। देखो, अगर आप सही मायने में छोड़ना चाहते हो वीरनाश की आदत को और स्वप्नदोष से मुक्ति पाना चाहते हो, वो भी जड़ से, तो ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता दोस्त आपका पैसा कहीं गलत जगह पर चला जाए। क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी क्या कर रही है आप भली बात ही जानते हो, हज़ारों रुपये खर्चा करती है स्वप्नदोष और वीरनाश से मुक्ति पाने के लिए, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। देखो, अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं दवाई खाकर अपने वीरनाश की समस्या को सॉल्व कर लूंगा, तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि दवाई एक सपोर्ट की तरह काम करेगा आपके शरीर में। आजकल की युवा मनोरंजन की दृष्टि से अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर रही है और सोच रही है कि जिंदगी में यही सबसे बड़ा सुख है। देखो, जो इंसान वीरनाश करता है वो भी हर दिन क्यों करता है, क्या आपने कभी सोचा है? वो हर दिन अपने मूत्राशय को देखता है और उसमें से हर दिन वीर्य निकल रहा है, कभी पानी निकल रहा है, कभी कुछ ना कुछ तो निकल रहा है ना मेरे भाई। तो उसको ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है अपने मन में कि ये वीर्य तो कभी खत्म होगा ही नहीं, ये तो हर दिन बनता है। फिर उसके मन में ये चलता है कि यार मुझे मजे भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ मेरा वीर्य तो बन ही रहा है हर दिन, तो क्यों ना इसका नाश करता ही जाऊं। भाई, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, लेकिन कभी भ्रम मत पालना इस चीज का कि वीर्य नाश करोगे और हमेशा फिट रहोगे। देखो, कुछ महीनों की बात है, जिनको वीर्य निकालने का बहुत ज़्यादा शौक है वो रुक जाएं 2-3 महीने, उसके बाद मुर्दा और इनके शरीर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं बचेगा। देखो, मेरी बात पर यकीन ना करना हो तो आप नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर प्रैक्टिकल लेवल पर इसको टेस्ट करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करें और उस दौरान आप 1 किलोमीटर रनिंग करेंगे, आप देखेंगे कि आपने कितने आसान तरीके से रनिंग कर लिया और आपको बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं होगी। लेकिन इसके ठीक विपरीत, अगर कोई इंसान अपने शरीर से हर दिन वीर्य निकाल रहा है ना, अगर उसको बोलोगे दौड़ने के लिए, पहले तो वो बहाने मारेगा, क्योंकि उसको अंदर ही अंदर पता है मेरे से नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगर ये दौड़ भी जाता है ना, तो ये मंजिल तक कभी पहुंचेगा भी नहीं। 1 किलोमीटर छोड़ो, ये 200 मीटर में जाके बोल देगा कि भैया मुझे घर जाना है, मुझे होमवर्क करना है। ऐसे लोग मैंने देखे हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वीर्यनाश करता है वो कोई भी काम सही से नहीं करता, सिर्फ बहाने मारेगा वो। देखो, बुढ़ापा आना तो तय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप युवावस्था में ही बुढ़ापे को इनविटेशन दोगे। देखो, आपका जो सिस्टम है उसको वीरनाश की आदत है, अब अचानक से आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया है, तो कभी ना कभी हो सकता है स्वप्नदोष हो जाए, लेकिन इससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको उठना पड़ेगा ब्रह्म मुहूर्त में। इसके कई फायदे हैं, मैं आपको आने वाली वीडियोस में इसके बारे में बताने वाला हूं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको ब्रह्मचर्य और फिटनेस रिलेटेड वीडियोस इसी तरह मिलते रहेंगे। सुबह उठकर कुछ समय योग प्राणायाम को दिया करें और अपनी संगति को सुधारें, आपको बहुत लाभ होगा। मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।